मैं संतुष्ट आत्मा हूं। इस भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान चमक रहा हूं। देखे अपने आप को वो सुंदर चमकता हुआ सितारा। मैं इस देह का मालिक हूं। अपने मन बुद्धि संस्कार का भी अधिकारी हूं। क्या सोचना है, क्या फील करना है, इसका निर्णय मैं स्वयं लेता हूं। अब मैं धीरे धीरे अपने शरीर से डिटैच होकर उड़ चलता हूं परमधाम, अपने बाबा के पास। पहुंच जाए अपने स्वीट होम में, जहां मेरा स्वीट बाबा रहता है। शिव बाबा, मेरा प्यारा पिता और मैं उसकी मीठी संतान अब एक दूसरे के सम्मुख है। शिव बाबा, प्यार का सागर है, मुझ आत्मा पर निस्वार्थ प्यार की अनंत किरणें बरसा रहा है। अनुभव करें इस ईश्वरीय प्यार को। ये ईश्वरीय प्यार मुझे भरपूर करता जा रहा है। मुझे तृप्त करता जा रहा है। जिस प्यार को मैं दुनिया में ढूंढता रहा, वो सिवाय मेरे बाबा के मुझे कोई नहीं दे सकता। बाबा का वो स्नेह मुझे भरपूर कर रहा है। मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण कर रहा है। कितने जन्मों की इच्छा थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, वो अब पूरी हो चुकी है। दिल बार बार ये गीत गा रहा है, जो पाना था सो पा लिया।
यही संकल्प मुझे इच्छा मात्रम अविद्या बना रहा है। जरा सोचें, क्या दुनिया में ऐसी कोई भी चीज है, क्या ऐसी कोई भी व्यक्ति है जो मेरी इच्छा को पूर्ण कर सकती है? क्या कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति मुझे संपूर्ण अविनाशी सुख दे सकती है? तो क्यों मैं बार बार उनसे कोई अपेक्षा या इच्छा रखता हूं? क्यों अपने सुख के लिए लोगों के पीछे भागता हूं? इस कलियुग की दुनिया में हर एक वस्तु, हर एक वैभव, हर एक व्यक्ति विनाशी सुख देने वाले हैं। मेरी इच्छा वो कोई भी नहीं पूर्ण कर सकते। जितनी वो पूर्ण करते, मेरी इच्छा और बढ़ती जाती है। और मैं जानता हूं, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देती है। इसीलिए मुझे सिर्फ बाबा को देखना है, मन ही मन बाबा से बातें करनी है, बाबा के साथ मुझे हर एक रिश्ते की अनुभूति करनी है। वही एक सहारा है जो मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण करता है, मुझे अंदर से भरपूर करता है। वही मुझे अच्छा बनाता है। इसीलिए मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा के सानिध्य में अपने आप को भरपूर करते मैं अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर रहा हूं। अब कोई इच्छा नहीं, अब मैं अपने पिता की तरह अच्छा बन चुका हूं। मैं इच्छा मात्रम अविद्या हूं। अब इसी स्थिति में मैं परमधाम से नीचे आता हूं। मैं एकदम भरपूर हूं, तृप्त हूं, इच्छा मात्रम अविद्या हूं।
अब सिर्फ जो बाबा से मुझे मिला है मुझे दूसरों को देना है। दूसरों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं जिम्मेवार हूं। मैं इच्छा मात्रम अविद्या हूं। शांति।